नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून रविवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान की गहलोत सरकार अब राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत यह सुविधा दी जाएगी। इसमें सरकार छात्रों को कोचिंग फीस के अलावा रहने खाने का भी खर्च उठाएगी। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। इस योजना में वे छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार करते हुए उनकी सुरक्षा की मांग खारिज कर दी थी। प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा आधारित बेंच ने तरनतारन के SSP को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। 11 मई को इस प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि वह किसी भी तरह के अनैतिक रिश्ते पर अपनी सहमति की मोहर नहीं लगा सकता। हाईकोर्ट के जस्टिस HS मदान ने यह टिप्पणी प्रेमी जोड़े, जिसमें लड़की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले व लड़का पंजाब के तरनतारन जिले से है, द्वारा सुरक्षा की मांग को खारिज करते हुए की थी। प्रदेश में शनिवार को एक बार फिर मौसम बदला और राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। दिन भर तेज धूप रहने के बाद दोपहर को मौसम बदला और रिमझिम बरसात हुई। जयपुर के साथ बीकानेर, उदयपुर, अलवर, अजमेर, सीकर सहित कई जिलों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पूर्वी राजस्थान में अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, जयपुर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ बरसात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवा चल सकती है। इसके बाद सोमवार को पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को होगा। यह एक वल्याकार सूर्य ग्रहण होगा। यह अमेरिका, यूरोप और एशिया में आंशिक रूप से दिखेगा, जबकि ग्रीनलैंड, रूस और उत्तरी कनाडा में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा। भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से प्रारंभ होगा। यह शाम 6:41 पर खत्म होगा। यह सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में लग रहा है। देश में अरुणाचल प्रदेश और इसके आसपास के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। हालांकि बरसात और मौसम खराब होने पर इसके दिखने की संभावना कम जताई जा रही है। इसे रिंग ऑफ फायर अर्थात वल्याकार भी कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो यह अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के 97% भाग को ढक लेगा। चंद्रमा की छाया से रिंग ऑफ फायर का नज़ारा दिखेगा। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को आएगा। देश में शनिवार को कोरोना के 1,14,415 मामले सामने आए। यह पिछले 61 दिनों में एक दिन में मिले संक्रमितों का सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,573 केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,681 मरीजों की मौत हुई है और 1,89,089 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या में 70,402 की कमी हुई। पिछले 10 दिन की बात करें तो एक्टिव केस में 9,42,424 की कमी रिकॉर्ड की गई और 14 अप्रैल के बाद पहली बार एक्टिव केस का आंकड़ा 15 लाख के नीचे आया है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुर कस्बे में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक दंपति की मौत हो गई। घटना कस्बे के जहाजपुरा मार्ग पर स्थित लसाड़िया चौराहे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार और कंटेनर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार दंपति रामगोपाल व प्रेम देवी मीना निवासी रामनगर शाहपुरा की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बीकानेर जिले के पांचू में एक महिला व उसके 10 महीने के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। पांचू पुलिस ने विवाहिता गायत्री जाट व उसके 10 माह के बच्चे प्रमोद जाट की दहेज हत्या का मामला
उसी के पति सास व देवर के खिलाफ दर्ज किया है। बंगला नगर निवासी 35 वर्षीय प्रभुराम जाट ने पुलिस को बताया कि उसके बहनोई ओम प्रकाश जाट ने उसे फोन कर कहा कि हमने तुम्हारी बहन व भांजे को मार दिया है, तुम्हें जो करना है कर लो। प्रभुराम ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बहन गायत्री की शादी 7 जुलाई 2019 को नोखा तहसील के नाथुसर गांव निवासी ओम प्रकाश जाट से हुई थी। शादी के थोड़े समय बाद ही बहन का पति ससुर सास व देवर बहन गायत्री को और दहेज लाने के लिए मारपीट करने लगे। गत दिनों आरोपियों ने बहन को पीटा तो उसने कई बार इसकी जानकारी फोन पर दी और रोते हुए आशंका जताई कि उसका पति व ससुराल के लोग उससे व उसके बेटे की हत्या कर सकते हैं। थानाधिकारी विकास बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज रविवार को तेल के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। जानकारी के अनुसार पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राज्य के श्रीगंगानगर जिले में मिल रहा है, जहां पेट्रोल के दाम 106.08 रुपए प्रति लीटर और प्रीमियम पेट्रोल के दाम 109.36 रुपए प्रति लीटर हैं, जबकि सामान्य डीजल 98.94 रुपए प्रति लीटर और पावर डीजल 102.61 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने एक रेट की मांग की है। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र ने ब्रेक लगा दिया है। यह योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी, इसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र से इस योजना की मंजूरी नहीं ली थी, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के रिश्तों में तलखीब गई थी। 15 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट की बैठक ली थी, जिसमें मुफ्त राशन योजना को लेकर फैसला लिया गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।